उधर श्रद्धा मर्डर में रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस ने फ्लैट से 5 बड़े चाकू बरामद किए हैं। फिलहाल इन चाकुओं को जांच के लिए भेजा गया है। पुलिस को श्रद्धा मर्डर केस में इस्तेमाल हुई हथियारों की तलाश है। पुलिस ये जानना चाहती है कि आखिर आफताब ने किन हथियारों से श्रद्धा के शव के इतने टुकड़े कर दिए। वहीं कहा जा रहा है कि इस वारदात को अंजाम देने के लिए मल्टीपल हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस की टीम को आफताब के फ्लैट से 5 बड़े चाकू मिले हैं, जो किचन में इस्तेमाल होने वाले चाकुओं से अलग हैं। ये चाकू बेहद तेज है। इन चाकुओं की लंबाई करीब 5 से 6 इंच बताई गयी। फिलहाल इन चाकुओं को जाँच के लिए भेज दिया गया है। अब फोरेंसिक टीम ही बता पाएगी की आखिर श्रद्धा के शव के टुकड़े टुकड़े करने में इन चाकुओं का इस्तेमाल हुआ था या नहीं। इधर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में होने वाले उपचुनाव से पहले पुलिस अलर्ट मोड में आ गई। वहां 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे, जिससे पहले पुलिस ने मैनपुरी के कई होटल में अचानक छापे मारे। आरोप है कि दूसरे शहरों से आए कुछ लोग वहां चुनाव से पहले माहौल बिगाड़ने की कोशिश में थे। पुलिस ने दावा किया कि आरोपी अपने साथ हथियार भी लेकर आए। हथियारों के साथ और पैसों के साथ आए हुए हैं, जो चुनाव प्रभावित करने के उद्देश्य आए हैं यहाँ पे। जानकारी के मुताबिक पुलिस की टीम ने शहर के कई होटल में दबिश दी, जहाँ न केवल उनमें रुके लोगों के दस्तावेज चेक किए गए, बल्कि होटल के कमरों की भी अच्छी तरह तलाशी ली गई। इस बीच गुजरात के कच्छ में कांग्रेस विधायक संतोख बेन अरेठिया ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर अपनी गाड़ी पर हमला करने का आरोप लगाया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया।